चंबा जिले की विश्वविख्यात मणिमहेश यात्रा का आज शाही स्नान है। कोरोना काल के चलते 2 साल के अंतराल के बाद इस बार मणिमहेश यात्रा में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली। हालांकि इस बार मौसम की खराबी की वजह से श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद श्रद्धालुओं ने बड़े ही भक्तिभाव से इस मणिमहेश यात्रा में भाग लिया। जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन के बाद राधा अष्टमी को शाही स्नान होता है। भाद्रपद की शुक्र सप्तमी को शिव के गुरु यानी चेले डल झील में प्रवेश कर इसे तोड़ते हैं। कार्तिक स्वामी के चेले की अगुवाई में सेंचुरी के शिव चेलों ने शुक्रवार को मणिमहेश डल झील को पार किया। इसके बाद हजारों श्रद्धालुओं ने डल झील में आस्था की डुबकी लगाई। शुक्रवार दोपहर 2 बजे डल झील की परिक्रमा करने के बाद शिव चेलों ने डल झील को जब तोड़ा, उस समय ये नजारा देखते ही बनता था। जिस समय शिव चेलों ने डल झील में प्रवेश किया, उस में कई श्रद्धालुओं ने उन्हें कंधों पर उठा लिया और डल झील को पार करवाया। उस समय कैलाश पर्वत हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। इस बार इस डल झील को तोड़ने की तिथि शुक्रवार दोपहर 1:52 से शुरू होकर आज 12:29 तक रहेगी। उसके बाद राधा अष्टमी का शुभ मुहूर्त होगा। अलग अलग देव स्थानों से आई पवित्र छड़ियों को डल झील में स्नान करवाया जाएगा। उसके पश्चात लोग पवित्र डल झील में स्नान कर पाएंगे। शनिवार दोपहर 12:30 बजे शाही स्नान शुरू होगा और कल दोपहर 10:41 तक लोग पवित्र डल झील में स्नान कर पाएंगे। मान्यता के अनुसार राधा अष्टमी को मुहूर्त शुरू होते ही डल झील के पानी का जल स्तर बढ़ने से वहां एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है। राधा अष्टमी के दिन पवित्र कैलाश पर रात्रि के समय और ब्रह्म मुहूर्त में अलौकिक मणि के भी दर्शन होते हैं। लोगों ने बड़े ही श्रद्धा भाव से डल झील में स्नान कर कैलाश पर्वत के दर्शन किए।